लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस मोरी पर डिज़ाइन बनाना बताएंगे, जिसमें हमने एक बड़ी लहर बना ली है और तीन लाइनें ऊपर नीचे खींची हुई हैं। अब हम इसमें छोटी छोटी लहर बनाएंगे। इन चारों लाइनों में हम ये लहर बना लेंगे। ये देखिए हमने बना ली हैं। अब हम इसमें चौक से डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए जो हमने लहर बनाई हुई है, इसका एक हिस्सा छोड़कर दूसरे हिस्से पर चौक से निशान लगाना है हमें, और जहाँ ये पॉइंट हमने लगाए हैं यहीं फूल बनाना है, चार पत्ती का फूल। दो पत्तियाँ आमने सामने और दो पत्तियाँ ऊपर नीचे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम ये पत्तियाँ पूरी मोरी में बना लेंगे। अब हम इधर एक डिज़ाइन बनाएंगे, लहर के ही जैसा नीचे से निशान खींचेंगे और ऊपर उसके ऊपर पत्ती टाइप बना देंगे। सेम यही डिज़ाइन हम दूसरी तरफ बनाएंगे। देखिए जिस आकार में हमारी लहर बनी हुई है, इसी तरह नीचे से लेकर और ऊपर पत्ती टाइप बना देंगे। ये देखिए कितना इजी डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन लगभग पूरा हो चुका है। देखिए हमारा ये चौक से डिज़ाइन बन चुका है। अब हम इस पर मशीन चलाएंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है, इसके ऊपर मशीन चलाकर ले जाएंगे और फूल के बिल्कुल बीच में रोक देंगे। अब हम जिस डिज़ाइन में हमारी पत्ती बनी हुई है, उसी आकार में मशीन को चलाएंगे। इस तरह से। और अब सामने वाली पत्ती बनाएंगे इसके। गोलाई पे हमें थोड़ी हल्की स्पीड करनी होती है मशीन की, और थोड़ा थोड़ा घुमाना होता है। जैसे हमने ये आमने सामने की पत्तियाँ बनाई हैं, इसी तरह से हम ये ऊपर नीचे वाली पत्तियाँ भी बना लेंगे। मशीन को रोक रोक कर घुमाना होता है, तभी हमारी पत्तियों में गोलाई आती है। ये देखिए तीन पत्तियाँ हमारी बन चुकी हैं और चौथी पत्ती भी हमारी अब बन गई है। अब हम ये नीचे जो डिज़ाइन है, इस पर मशीन चलाएंगे। ये देखिए अभी जो हमने लहर बनाई हुई है पत्तियों की, इस पर चलाएंगे। जो हमने चौक से निशान बनाया हुआ है, हमें उसी पर मशीन चलानी है। अब दूसरी तरफ का यही डिज़ाइन पूरा करेंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया एक। अब हम इसी लहर वाली सिलाई पर सिलाई चलाएंगे और अब दूसरा फूल बनाएंगे हम, इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले फूल बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा तैयार हुआ है फूल। अब इस तरह से ही हम ये कंप्लीट करेंगे। जब हमने चौक से निशान बनाया हुआ है, तो हमारी मशीन ईजली उस पर चल जाती है, और जब हम एक दो बार चौक से बना लेंगे, तो हमें ये बिना चौक से भी बनाना आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोहरी या सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ये देखिए इसी तरह से हम ये डिज़ाइन भी कंप्लीट कर देंगे।
जिस तरह से हमने पहली पत्ती बनाई है। इस तरह से ही कंप्लीट कर देंगे हम। ये देखिए हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम पूरी मोहरी में ये डिज़ाइन इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह ये दोनों बनाए हैं, इस तरह पूरी मोहरी में बना लेंगे। ये देखिए हमारी पूरी मोहरी तैयार हो चुकी है बनकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।